तो हेलो गाइस, मेरा नाम अनिल। हमारा न्यू ब्लॉग में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो मैं अपना गाड़ी का साफ़ सफाई बहुत दिन से नहीं किया है, कारण कि चल ही नहीं रहा था, तो इसलिए मैं साफ़ सफाई भी नहीं किया, तो काफ़ी ज़्यादा गंदा हो चुका है। तो वही मैं साफ़ सफाई करने वाला हूँ। और तो चलिए मैं पहले दिखा लेता हूँ कि हमारा गाड़ी कितना ज़्यादा गंदा हो चुका है। उसके बाद मैं और जो ग्रीस नहीं छूटता है, जो काफ़ी मतलब गंदा हो जाता है, नहीं छूटता है, वही बताने वाला हूँ कि कैसे आप छुड़ा सकते हैं। तो मैं फटाफट से अभी दिखा लेता हूँ कि हमारा गाड़ी कितना गंदा हो चुका है, तो वही करने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। और चलिए मैं शुरू करता हूँ। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि अरे जो ग्रीस ज़्यादा गंदा हो जाता है तो पहले कैसे उसको छुड़ाइए, कारण कि पहले हम वही करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आप किसी भी कपड़ा से पहले पोंछ लीजिएगा पूरा ग्रीस को। तो अभी हम क्या से पोंछने वाले ये बता देते हैं। तो देखिए, सबसे पहले ये देखिए हमारा गाड़ी रहा है, और यहाँ से मैं शुरू करता हूँ। तो देखिए चैन काफ़ी गंदा हो चुका है, मतलब अभी कुछ दिन पहले इधर पानी बारिश हुआ था, बहुत ज़्यादा हुआ था, तो काफ़ी ज़्यादा गंदा हो चुका है। तो यही मैं अभी साफ़ करने वाला हूँ। पूरा का पूरा गंदा हो चुका है, पूरा इधर अभी मतलब डीजल से साफ़ करना पड़ेगा पूरा। तो यही मैं साफ़ करने वाला हूँ, और पूरा का पूरा देखिए पूरा का पूरा गंदा हो चुका है, ऊपर नीचे सब। हाँ, जो कि ज़्यादा ग्रीस लग जाता है, तो ज़्यादा ग्रीस इधर मेन पिन सेकेंड पिन में होता है, जो काफ़ी ज़्यादा गंदा हो चुका है देखिए। तो यही मैं अभी साफ़ करने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं किस चीज़ से छुड़ाता हूँ तो पहले वो बता लेता हूँ मैं। तो हमारा सबसे पहले ये रहा, जो कि किसी भी मतलब सिलाई सेंटर में मिल जाएगा आपको, जो रस्सी रस्सी जो छोटा छोटा रहता है उसको मैं इसको निकाल लेता हूँ। सबसे पहले इसी से जो पूरा ग्रीस है जो साफ़ करने वाला हूँ। आज हमारा ग्रीस साफ हो गया है, अभी जो हमारा टोटल चैन का, तो अभी मैं जो ग्रीस साफ कर रहा था फाइनल नहीं हुआ है, अभी डीजल से भी धोना उसको। तो पहले मैं इसको कर लेता हूँ, उसको बाद उसको करूँगा। तो चलिए वीडियो में बने रहिए। आज अभी हमारा चैन भी साफ़ हो चुका है, जो कि अभी जो ग्रीस व्रीस बचा था अभी वही साफ़ करने वाले हैं। तो पहले देख लीजिए मैं ग्रीस कैसे साफ़ ये देखिए कुछ इस प्रकार से अभी थोड़ा थोड़ा है, मतलब कि उसको अभी डीजल से साफ़ करेंगे तो पूरा क्लीन हो जाएगा। और ये भी थोड़ा थोड़ा अभी इधर भी है, इसमें ज़्यादा है, इसमें अभी बाद में करेंगे, कारण कि इसमें नहीं रहा साफ़ रहेगा फिर भी चलेगा ये, तो ऊपर को नहीं दिख रहा होगा पूरा, मतलब पूरा क्लीन कर दिया अभी डीजल से साफ़ करना है। तो चलिए मैं अभी डीजल से साफ़ कर लेता हूँ, उसके बाद देखिएगा कैसे साफ़ करने के लिए हमको बूम को नीचे करना पड़ेगा। तो पहले मैं उसको कर लेता हूँ, जैसे पूरा बूम अभी नीचे ऊपर उठाया वो ऊपर चढ़ना पड़ेगा, उसको कर लेता हूँ। तो आज अभी इसको उठाने वाले हैं ऊपर, एकदम पूरा ऊपर।
जो थोड़ा थोड़ा लगा है उसको कुछ नहीं करना है, जैसा डीजल लगा लेना है। और ये जो रावड़ा छोटा लेकर इसको पोछ देना चाहिए, मतलब रगड़ देना, ऑटोमेटिक छूट जाएगा। तो फाइनली आज हमारा सारा काम हो चुका है। वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।